बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के युवा जो है उन लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है जल्दी से, लेकिन ऐसे भी युवा है जो बहुत बड़े पैसे हैं उनके पास, लेकिन फिर भी अपनी सेहत पर वो अच्छा ध्यान नहीं रखते। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, तो ये हार्ट अटैक से बचने का क्या उपाय है? हार्ट अटैक से बचने का उपाय है, आजकल पता है एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है सबके सामने। आप लोग 24 घंटे मोजे पहन के रखते हैं, लगभग रात्रि को भले उतार दें, और दिन भर जूते पहन के या चप्पल पहन के रहते हैं। आपको रोज कम से कम 1 घंटा नंगे पांव आपको रहना चाहिए, माटी में कच्ची घास में चलना चाहिए। आपको पता है धरती में अर्थ होता है, क्या होता है? फेस का तार है। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापिए, जूता पहन के नापिए तो टेम्परेचर अलग बताएगा, और नंगे पैर नापेंगे तो टेम्परेचर अलग बताएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जूता पहन के नापेंगे तो अलग होगा, और नंगे पांव धरती से कनेक्ट होके नापेंगे तो जो आपको जीरो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, मींस जो साइंस की भाषा है, जीरो मतलब ये नहीं कि हम बॉडी ठंडी हो जाएगी तो मर ही जाएंगे, पर जो हमारी बॉडी में करंट होता है, एक पावर होता है, अलग प्रकार की एनर्जी होती है, वो हर टाइम नहीं होनी चाहिए। पहले के लोग नंगे पांव रहते थे घर में, नंगे पांव चलना, आजकल तो महिलाएं भी चप्पल पहन के भोजन बनाने लग गई हैं। लड़के 24 घंटे जूते पहनते, 24 घंटे का मतलब है दिन भर जूता, और रात्रि के कुछ लोग मोजा पहन के ही सो जाते हैं। नहा देखो, हम माटी से जुड़े रहे, नंगे पांव रहने के बहुत फायदे हैं। पृथ्वी से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो बॉडी में पहुंचेगी। अब पृथ्वी से जो पॉजिटिविटी हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो चप्पल जूता मोजा पहनने से कट हो जाती है। इसलिए पहले के आंगन कच्चे थे, पहले की व्यवस्थाएं, आप शुद्ध खाओ अच्छे से थोड़ा। अभी देखो, मैं आपके यहाँ आने के पहले सामने जो जहाँ हम रुके हैं वहाँ पार्क है, मैं वहाँ रोज नंगे पांव टहलता हूँ, चलता हूँ, खेलता हूँ, दौड़ता हूँ नंगे पांव। आप भी थोड़ा नंगे पांव चला करिए, खुली माटी में, कंकड़ों में चलिए, एक्यूप्रेशर होगा, और खान पान बढ़िया रखिए, हार्ट अटैक इत्यादि नहीं। थोड़ा खेला करो, आधा घंटा खेलिए, स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आप खेला करिए। पसीना, अभी मैं थोड़ी देर पहले खेल ही रहा था, पसीना आया, पसीना आना अच्छी बात है, ठंडी देखो अभी के मौसम में भी पसीना आ जाए अच्छी बात है। तो ये आप एक्टिविटी शरीर की आवश्यक है, इससे ठीक रहेगा, ये हार्ट अटैक इत्यादि नहीं होगा, ठीक है? महाराज जी, हमें कौन सा कसरत करना चाहिए, योगा अच्छा है या फिर जिम? देखो, जिम तो अपनी जगह ठीक है, हमें देसी योगा करना चाहिए, योगा नहीं योग। सूर्य नमस्कार की 12 आसन, आप कुछ भी मत करो, छोटे छोटे बच्चों के साथ पकड़म पाई खेल लो, इतना भी बहुत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ पकड़म पाई खेल लो, हम खेलते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पकड़ते हैं हम या वो पकड़ते हैं हमें, हो गई, इतनी एक्सरसाइज भी बहुत है। आप बैडमिंटन खेल लीजिए थोड़ा, बैडमिंटन खेलेंगे ना तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, भुजंगासन करना चाहिए, मैं रोज भुजंगासन और शीर्षासन तो करता ही हूँ। भुजंगासन करने से सर्वाइकल नहीं होता, पर शीर्षासन करने से बुद्धि तीव्र होती है, शीर्षासन। और भी बहुत आसन है, जितना कर लो, मंडूकासन है, जो जो समय मिल जाए वो कर लेना चाहिए, बाकी प्राणायाम करना चाहिए। महाराज जी, मेरे लिए आज और पूरे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों के लिए दो चीज बहुत बड़ी अच्छी चीज है। क्या? पहला जो आपके दर्शन किए उन्होंने, और दूसरा कल हम विजय का उत्सव मनाएंगे।
हमारे श्री राम आने वाले हैं कल। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हजारों लाखों, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्होंने आपका दर्शन प्राप्त किया है। बिल्कुल सुंदर, खुश रहिए। प्रणाम जी।